सुबह का फटाफट वाला नाश्ता हो या फिर डिनर में जब भी कुछ फटाफट बनाने का और टेस्टी खाने का मन करे तो ये परफेक्ट डोसा रहेंगे। ना ही फर्मेंटेशन की ज़रूरत है, ना ही सोडा, ना ही इनो, ना ही दही, बस पानी में हमें घोलना है और हमारा कुरकुरा डोसा बहुत ही जल्दी बन करके रेडी हो जाएगा। कुछ टिप्स और ट्रिक के साथ अगर ये डोसे बनाएंगे तो ऐसे ही जालीदार डोसे भी आप बना सकेंगे। हरी चटनी के साथ, टमाटर की चटनी के साथ या और भी कोई आपकी कोई भी फेवरेट चटनी के साथ ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो चलिए इसे बनाना हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक मिक्सिंग बाउल में 2 कप चावल का आटा लेंगे। तो इसी के साथ इसमें हम 2 किसे हुए गाजर ऐड करेंगे और 2 बड़े प्याज बारीक कटे हुए ऐड कर लेंगे। अगर प्याज नहीं खाते तो प्याज को स्किप कर दे। ढेर सारा बारीक कटा हुआ धनिया भी ऐड करेंगे। अगर आप चाहे तो इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, ब्लैक पेपर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, स्वाद अनुसार नमक ऐड करना है। तो बस हमारा डोसे का जो बैटर है वो रेडी है। पानी ऐड करना है। 2 कप चावल के आटे के सामने हमें 4 से 4.5 कप जितना पानी इसमें लगेगा, लेकिन सारा पानी हम एक साथ नहीं ऐड कर लेंगे। धीरे धीरे पानी ऐड करेंगे और इसमें बिल्कुल भी गुठली ना रहे, इस तरह से हम इसे बनाते रहेंगे बैटर को। तो आज मैं इसे टमाटर की चटनी के साथ सर्व करने वाली हूँ। ये टमाटर की चटनी की रेसिपी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की हुई है। तो मेज़रमेंट जो बताया उससे कम या ज़्यादा पानी लग सकता है, तो पानी हमें इसीलिए सारा एक साथ ऐड नहीं कर लेना है, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे हम इसमें। तो ये देखिए हमें चेक करते रहना है, उसके बाद ही सारा पानी ऐड करना है। तो ये परफेक्ट बैटर है एकदम जालीदार डोसे बनाने के लिए। तो चलिए अब हम डोसा बनाना स्टार्ट करते हैं। तो तवे पर हम थोड़ा सा तेल अप्लाई करेंगे और पानी भी छिड़केंगे। एकदम गरम तवा चाहिए, जालीदार डोसे बनाने के लिए तवा जितना गरम होगा उतनी ही अच्छी जाली आएगी इसमें। तो बैटर को हमें मिलाना है और फिर पोर करना है। इसे पोर करने में बहुत जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से हम इसे पोर करेंगे, बैटर को मिलाएंगे और पोर करेंगे। तो कुछ इस तरह से गरम तवे पर हमें बैटर फैलाना है। बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें, बहुत ही अच्छा बाइंड आ जाएगा, परफेक्ट राउंड डोसा ही बनेगा, बिल्कुल भी ये डोसा टूटेगा नहीं। बैटर को मिलाएंगे और तवे पर फैलाएंगे इस तरह से। हम थोड़ा सा ऊपर से हम छिड़केंगे डोसे के बैटर को। तो ये देखिए एकदम परफेक्ट राउंड डोसा हमारा बन करके रेडी है और कितनी अच्छी इसमें जाली भी आई है। तो अब हम इसे तेज आंच पर सेक लेंगे। इसके ऊपर हम थोड़ा सा तेल, घी या बटर अप्लाई करेंगे। तो जैसे ही इसमें गोल्डन स्पॉट आ जाए, आपको ये लगे कि ये कुक हो गया है, हम इसको तवे पर से निकाल लेंगे। रेसिपी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को अभी ही लाइक कर दे, और अगर हम चाहे तो इसको पलट के भी थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। तो फटाफट से बनने वाला एकदम क्रिस्पी जालीदार हमारा चावल के आटे का डोसा रेडी है। इसे मैं टमाटर की चटनी के साथ सर्व करूँगी। ऐसी ही आसान रेसिपी के साथ बने रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो फिर मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ, नए वीडियो के साथ। तब तक लिए बाय।